नमस्कार, आप देख रहे हैं अटेंशन और मैं हूं मनोज वर्मा। कोरोना के बाद अब महंगाई पर सियासत शुरू हो गई है। देश में लगातार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। अब कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया है और सड़क पर उतरी। शुक्रवार को देश भर में कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन दिया। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेसी पेट्रोल पंपों पर धरना देते नजर आए। भोपाल में दिग्विजय सिंह ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कांग्रेस पिछले साल भी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ सड़कों पर उतरी थी, जिसके बाद अब फिर कांग्रेस को जनता की याद आई है। इससे साफ है कि कांग्रेस सिर्फ रस्म अदायगी में जुटी है। अटेंशन में हम आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में हो रही वृद्धि पर कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार पर हमलावर है। शुक्रवार को कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ पेट्रोल पंपों पर धरने दिए, सरकार विरोधी नारे लगाए। मूल्य वृद्धि को लेकर एक साल बाद कांग्रेस एक बार फिर सड़क पर आ गई है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर समेत अन्य जिलों में कांग्रेस के सीनियर नेताओं के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम करीब 104 रुपए और डीजल के दाम 95 रुपए के करीब पहुंच गए हैं, जबकि भोपाल में पहली बार पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 104 रुपए 7 पैसे हो गई है। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान परिवार के साथ पचमढ़ी से भोपाल लौटे। पावई में मेन रोड पर कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। सीएम के सामने प्रदर्शन की संभावना थी, इसलिए सीएम के काफिले को पहुंचने से पहले ही प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इंदौर के सभी पेट्रोल पंपों पर भी काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया गया। इधर भोपाल में भी कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया, साथ में दिग्विजय सिंह ने भी जोरदार तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार यानी महंगाई की सरकार। कांग्रेस ने मांग की है कि सेंट्रल ड्यूटी वापस से 9 रुपए की जाए। दावा किया गया ऐसा हो जाए तो डीजल पेट्रोल पर प्रति लीटर 25-25 रुपए कम हो जाएंगे। दिग्विजय सिंह ने ये भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम कम हो रहे हैं, देश में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक समय यूपीए सरकार में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती थी 9 रुपए, आज वही सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है 34 रुपए। पूरे तरीके से अगर देखें तो एक साल में पेट्रोल डीजल से केंद्र सरकार 2,70,000 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं की जेब से निकालकर वे अपने आलीशान महल बनाने में खर्च करने वाले हैं। अगर सेंट्रल एक्साइज 34 रुपए से घटाकर जो 9 रुपए थी यूपीए सरकार में, तो लगभग 25 रुपए लीटर पेट्रोल पर और डीजल पर भाव कम किए जा सकते हैं। पूरे तरीके से मोदी जी की सरकार यानी महंगाई की सरकार। मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की, बात कर रहा हूँ जो 9 रुपए हुआ करती थी जब यूपीए सरकार थी और आज 34 रुपए है। क्या कमलनाथ जी ने बढ़ाया है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस के प्रदर्शन पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने बढ़ते तेल के दामों के लिए पूर्व की कमलनाथ सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मैंने पहले भी आपसे प्रार्थना की थी, जो लोग शीशों के घरों में रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। वो कांग्रेस को अधिकार किसने दिया जिसने अपने घोषणा पत्र में डीजल पेट्रोल के दाम कम करने का कहा था, और कम तो नहीं किए, बढ़ा और दिए थे।
सरकार में मध्य प्रदेश में आए कमलनाथ जी और उन्होंने डीजल पेट्रोल के दाम कम करने की घोषणा की और बढ़ा दिए थे, उसको ये अधिकार किसने दिया है? ये पब्लिक है, सब जानती है। और इसलिए आपने ये देखा होगा कि कांग्रेस के किसी भी आंदोलन में जनता कभी भागीदारी नहीं करती, जो तथाकथित थोड़े बहुत बचे हुए कांग्रेसी रह जाते हैं वो ही रह जाते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ पिछले साल भी कांग्रेस सड़कों पर उतरी थी। इस दौरान कई कांग्रेस नेता विरोध जताते हुए साइकिल से विधानसभा गए थे। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, जीतू पटवारी और विधायक कुणाल चौधरी साइकिल से विधानसभा पहुंचे थे। हालांकि वे ज्यादा देर साइकिल नहीं चला सके थे, लेकिन प्रदर्शन के दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां जरूर उड़ाई गई थी। ये बात सही है कि बढ़ती कीमतों से आम क्या और खास क्या, सभी परेशान हैं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस रस्म अदायगी में जुटी है, उससे ना तो उसका भला होना है और ना ही जनता का। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो तेल की इस मार और महंगाई की इस धार का विश्लेषण करेंगे हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और ब्यूरो हेड ब्रजेश सूद। प्रकाश जी, नरोत्तम मिश्रा को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को तो कोई अधिकार ही नहीं है। एक बार मान भी लिया गया है कि कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं बोलने के लिए, जनता का क्या कसूर है? क्योंकि जब आपने डीजल, गैस, पेट्रोल मार्केट पर छोड़े थे तो मार्केट का हवाला दे के आप रोज दाम बढ़ा रहे हैं, 15 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे, 1 रुपये, और 104 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल हो गया है। और जब मार्केट प्राइस गिरता है तो आप एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देते हो, उस पर सेस लगा देते हो, नए नए उपक्रम कर देते हो, तो जनता क्या करे? क्योंकि विपक्ष की आप सुन नहीं रहे हो, विपक्ष को कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं। एक साल बाद वो आज जागे हैं, अब फिर जाने कब जागेंगे पता नहीं। देखिए मनोज, विपक्ष की जो एक विरोध करने की भूमिका होती है उसकी औपचारिकता आज कांग्रेस ने निभा दी। दूसरी हम देखेंगे कि जनता के अंदर, हमने कई देशों के बारे में पढ़ा है, अखबारों में खबरें छपती है कि फलाने देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए और जनता सड़क पे उतर आई। बिल्कुल, अभी तक हिंदुस्तान में तो ऐसी नौबत आज तक कभी नहीं आई। इस बार मतलब ऐतिहासिक स्तर पे पेट्रोल डीजल के दाम हैं, जो इससे पहले कभी महंगे नहीं हुए, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते ही रहे, कभी कम नहीं हुए। तो आप ये देखेंगे कि लगातार बढ़ते बढ़ते, मुझे याद है कि शायद मैंने 8 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदा होगा। बिल्कुल, तो वो आज 104 रुपये लीटर अगर हो गया है तो वो लगातार बढ़ता ही गया है। और उसमें सेंट्रल एक्साइज, स्टेट का, अब कांग्रेस जो प्रदर्शन कर रही है उसमें मुझे लगता है नरोत्तम मिश्रा ने सही कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम सरकार में आने के बाद 5-5 रुपये डीजल और पेट्रोल दोनों पैसे कम कर देंगे। बिल्कुल, ये उनका चुनावी घोषणा पत्र में वादा था मध्य प्रदेश के लिए। जब वो सरकार में आए तो सरकार में आने के बाद सबसे पहले उन्होंने 5-5 रुपये दोनों पे बढ़ा दिए। तो ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, तो ये जो आजकल जो लिपकी त्रुटी के मामले चल रहे हैं, तो इसको भी इसमें जोड़ सकते हैं। तो आजकल बढ़ाने का कहा था और घटाने का छप गया, घटाने का, तो मतलब उन्होंने 5-5 रुपये सीधे बढ़ा दिए। और उसके बाद में फिर ये कोरोना के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने शायद कुछ और पैसा बढ़ाया, तो वो बढ़ के मेरे को लगता है 6-7 रुपये तो मध्य प्रदेश की सरकार ने भी बढ़ा दिए। बिल्कुल, सेंट्रल एक्साइज भी बढ़ा। अभी हाल धर्मेंद्र प्रधान का एक बयान आया था, जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं, कि दाम कम होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में जो सरकार को पैसों की ज़रूरत है तो वो तो अभी हाल कम होने के आसार नहीं है। तो जब हम देख रहे हैं कि जब पहले अंतर्राष्ट्रीय उसमें बहुत कम हो गए थे दाम, तो मोदी जी ने अपनी किस्मत का हवाला दिया था और अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, उन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी। बिल्कुल, उस समय ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रहे हैं। और अभी हाल आप ये देखें, इस बात पे गौर करें कि आपने मार्केट के लिए तो खोल दिया है केंद्र सरकार ने, लेकिन जब भी कहीं चुनावों की बात होती है, किसी राज्य, अभी 5 राज्यों के चुनाव थे, तो जब तक चुनाव होते हैं तब तक कोई दाम वाम घटता बढ़ता नहीं है, वो तब बिल्कुल स्थिर रहता है, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो सारी कसर कंपनियाँ निकालने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप तो इसके बावजूद भी है
कि आपने उसको बाजार के लिए खोल दिया है। बिल्कुल, लेकिन वही बात है कि अब कांग्रेस में विरोध करने की भी ऐसी क्षमता नहीं है या जनता उतनी आक्रोशित नहीं होती है। जो नरोत्तम मिश्रा ने जो दूसरी बात कही वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जनता इस आंदोलन में साथ नहीं है। तो जब तक विपक्ष के किसी ऐसे आंदोलन को जनता का साथ नहीं मिलता तो सरकार बहुत ज़्यादा उसकी चिंता भी नहीं करती है। तो आप घंटे एक घंटे आपने विरोध प्रदर्शन किया, ध्यान आकर्षित कर लिया, अच्छी बात है, करना ही चाहिए, कांग्रेस को करना ही चाहिए। और ये पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं ये केवल पेट्रोल डीजल के दाम नहीं है, सारी चीज़ों के दाम बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल, तो हर आम आदमी के लिए महंगाई एक बहुत बड़ा असर है। और इस समय अगर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार महंगाई की सरकार है तो मानना चाहिए कि महंगाई की सरकार है। लेकिन उसके लिए तर्क दलील आपको नहीं लगता कि जैसे हम नरेंद्र सिंह तोमर का कहना था कि सरसों के दाम इसलिए बढ़ गए तेल के क्योंकि हमने उसमें मिलावट बंद कर दी है, तो बाकी जिन चीज़ों के दाम नहीं बढ़े तो मान लिया जाए कि केंद्र सरकार वो मिलावटी दिलवा रही है, सामान बिकवा रही है। देखिए बड़े विचित्र टाइप के तर्क हैं, मतलब कि सरसों के तेल में मिलावट कम कर दी तो पहले मिलावट होती थी तो मिलावट क्यों होती थी, यही अपने आप में एक सवाल है। कि सरसों का जो शुद्ध तेल होता है कच्ची धानी का जिसको कहते हैं उसकी तो तासीर अलग होती है। बिल्कुल, तो फिर आपने मिलावट की परमिशन कौन सी सरकार ने दी थी और वो क्यों दी थी? और वो बिना मिलावट के यूज भी नहीं कर सकते जी। इतना तेज होता है वो कि आपने नाक में डाल दिया तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, नाक पूरी लाल हो जाएगी। जो पहली घानी का जो तेल निकलता है तो जितना भी तेल जो मार्केट में है वो मिलावटी होता है, फिल्टर होके आता है आपके पास कई तरीके से। जो शुद्ध आप यदि किसी फिल्टर करवा के ग्रामीण क्षेत्रों में करवाते हैं एक लीटर चल जाता है उनको बहुत लंबे समय तक। वो करवाते ही इसलिए हैं कि उपचार में उपयोग किया जाता है, उसको आप इस तरह से उपयोग नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन उसमें मिलाते क्या ब्रजेश? ब्राइस राउंड फिल्टर तेल होता है और कई सारे तेलों की मिलावट 20% तक सरकार कहती है कि उसमें मिलावट कर सकते हैं, फिल्टर करते हैं मिलावट हमें, लेकिन उसको वो दूसरी मिलावट का रूप दे रहे हैं, जबकि वो ऐसे ही है जैसे पेट्रोल में एथेलान मिलाते हैं पता नहीं चलता है वो ऐसे। लेकिन प्रकाश जी आपने चुनाव का हवाला दिया कि 5 राज्यों में चुनाव हुए या इसके पहले भी हम देखते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो प्राइस या तो घट जाते हैं या स्थिर रहते हैं। तो अब देश हित में तो यही मान ले जाए आम मिडिल क्लास के लिए कि देश में 5 साल चुनाव होते रहें, क्योंकि मोदी सरकार तो ये कह रहे हैं मोदी तो कि वन नेशन वन इलेक्शन, और 5 साल में सब दूर एक बार चुनाव होने लगे तो मान लिया जाए कि पेट्रोल डीजल के दाम 5 साल तक बढ़ते ही रहेंगे, केवल चुनाव में एक बार 5 साल में घटेंगे या स्थिर होंगे? बात डीजल या पेट्रोल की नहीं है, वन नेशन वन इलेक्शन देश के वास्तविक विकास के लिए बहुत जरूरी है। नहीं, मैं तो केवल पेट्रोल डीजल के संदर्भ में, इसलिए जो आपने बोला है वो बिल्कुल इसलिए सही है कि यदि ऐसा होता है तो सरकारें जो काम करना चाहती हैं, जो बातें करना चाहती हैं, आप 5 साल के अंदर उनका रिजल्ट लो और आप उसके बाद अपना परिणाम दो। आपको एक बार वोट डालने का मौका है, आपको 5 साल उसका काम पसंद आए तो आप करो। लेकिन ये जो बार बार चुनाव होते हैं हर सरकार को, चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बिल्कुल, तो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, जो वो करना चाहते हैं वो खुल के नहीं कर सकते। इस मामले में मोदी जी की सरकार ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो चुनाव की परवाह किए बिना भी बहुत कुछ करे दे रहे हैं जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन वो कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुमत है। तो ये एक अच्छा वो है कि अगर देश के अंदर एक साथ चुनाव होते हैं विधानसभा और उसके, तो सरकारें जो भी करना चाहती है, अब ये तो हमें तय करना है कि उन 5 साल के अंदर वो सरकार हमें पसंद आई या नहीं आई, या हमारे हित में है कि नहीं है, या देश के हित में है कि नहीं है। अब आज अगर मोदी जी की सरकार का केंद्रीय मंत्री कह रहा है कि हम पेट्रोल डीजल के दाम बिल्कुल कम नहीं करने वाले, तो ये कहने का भी साहस तो होना चाहिए। लेकिन अगर जैसे ही चुनाव आएगा, मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा के और उड़ीसा में चुनाव होगा, तो उनकी पहली चिंता होगी कि यार ये कहाँ तक चुनाव को असर डालेगा, हमने तो प्याज महंगी होने पर चुनाव प्रभावित होते देखा। बिल्कुल, सरकार लेकिन अब देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल पे बड़ी शांति है देश में। ब्रजेश जी पेट्रोल डीजल पे तो शांति है और कांग्रेस पूरे देश में आज प्रदर्शन किया, कम से कम एक ध्यान आकर्षण उन्होंने कराया। हमने अभी दिग्विजय सिंह को भी सुना, वो सवाल पूछ रहे थे कि ये सेंट्रल एक्साइज की वो बात कर रहे थे, स्टेट की बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि फिर कमलनाथ का जिक्र आता है जो प्रकाश जी ने कहा था। लेकिन हमने जब देखा था कि जब वित्त मंत्री अरुण जेटली थे और जब ये दाम बढ़े थे तब वित्त मंत्री के नाते उन्होंने अपील की थी और भाजपा शासित कुछ राज्यों ने पेट्रोल के दामों में कमी भी की थी, तो क्या सोनिया गांधी अपील नहीं कर सकती थी कि उनको तो 3-4 राज्यों में घटाना था, कि पंजाब है, छत्तीसगढ़ है और उत्तर, या एकाधिक राज्य और समझ लीजिए राजस्थान है, महाराष्ट्र में वो कर सकते थे, बाकी तो वो कहीं बचे नहीं है, तो कम से कम वहाँ वो कीमत घटा देते, एक मैसेज देने की कोशिश करते कि हमारे राज्यों ने कर दिया आप भी करिए। हम देख रहे हैं कि वो राजस्थान में भी धरना देते हैं लेकिन वो ये नहीं कहते कि चलिए आप जब तक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम नहीं हो रही तो स्टेट अपना हिस्सा घटा दे। हिस्सा कोई घटाना नहीं चाहता, सबको उपभोक्ता की जेब से पैसे निकालना है।
लेकिन सबको ये भी कहना है कि सरकार महंगाई बढ़ा रही है, पेट्रोल डीजल की मांग बहुत तेज हो रही है, प्रदर्शन भी करना है। देखिए मनोज जी, तेल देखो, तेल की धार देखो, तो इस धार में कोई दम नहीं है। एक साल बाद वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सिर्फ मुंह दिखाई हो रही है लोगों के बीच। ऐसा नहीं कि महंगाई मुद्दा नहीं है और लोगों में आक्रोश नहीं है। आक्रोश दिवस बस जरूर मना रही है कांग्रेस आज, लेकिन उसमें से राहुल गांधी गायब हैं, प्रियंका गांधी गायब है, राजस्थान में भी बात करें हम कि तमाम बड़े नेता उनके गायब हैं, राजस्थान में मुख्यमंत्री गायब है, मध्य प्रदेश में। चीज सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनता के बीच आक्रोश को उभारने के लिए जो नेतृत्व चाहिए, जो नेता चाहिए, वो नदारद है, वो नदारद। तो राहुल गांधी में वो सक्षमता नहीं है, प्रियंका गांधी में वो सक्षमता नहीं है। हमने मध्य प्रदेश के अंदर 2003 में उमा भारती को देखा है। बिल्कुल, उमा भारती जिस तरह के भाषण देती थी सड़क, गड्ढा, बिजली, पानी को लेके, उसने जनता के आक्रोश को इस हद तक उभारा था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 173 सीटें गई थी। तो जब तक वो आक्रोश जनता में है, लेकिन जनता को चाहिए नेता जो उसकी अभिव्यक्ति को सही रूप दे सके, सही रूप दे। और दूसरा, भरोसा भी होना चाहिए ना उस नेतृत्व पे, उस नेता पे, उस दल पर। आप भरोसा खो चुके हो। दूसरी बात मनोज जी, यदि आप ये कह रहे हो, यदि केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि जीएसटी के दायरे में ले आना चाहिए इसको और इसके दाम कम करना चाहिए, और यदि धर्मेंद्र प्रधान पूरी ताकत से कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, तो ये किसकी गलती है? आप यदि आपके केंद्र शासित जो नहीं जो मतलब कांग्रेस के शासित जो राज्य हैं वो क्यों पहल नहीं करते, वहाँ दाम कम कर दें? जो जीएसटी लगा रहे हैं, सेंस लगा रहे हैं, वो भी तो लगा रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में प्रकाश जी बता रहे थे, कमलनाथ जी ने जब सरकार थी उनकी 15 माह की, तो 5 रुपये कम करने का घोषणा पत्र में वादा किया था, लेकिन आए तो 5 रुपये बढ़ा दिया। जब आप सत्ता में आए तो आपको लगा कि खजाने में पैसे चाहिए हमको। आज दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मोदी तो आपदा में अवसर देख रहे हैं, कमाने वाले हों तो वो कमा के ले कहाँ जा रहे हैं? वो पब्लिक में भरोसा जागृत कर रहे हैं ना कि यदि मैं पैसे ले रहा हूँ तो हिसाब से ले रहा हूँ, हिसाब से दे रहा हूँ, आपको घर में राशन पहुँचा रहा हूँ, आपको तमाम तरह की वैक्सीन से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रहा हूं। तो भरोसा है ना एक सरकार पे, यदि वो पेट्रोल से ज़्यादा कमाई कर रही है तो वो सरकार दूसरे माध्यमों से आपका उपचार करा रही है, आयुष्मान योजना हो, तमाम तरह की योजना, जनहितैषी योजना है, गरीबों को नवंबर तक मुफ्त अनाज है, 80 करोड़ लोग हैं। तो इसलिए ये जन आक्रोश नहीं उबल पा रहा है मनोज जी, और उसमें कांग्रेस सक्षम नहीं है। एक्चुअली में कांग्रेस पे भरोसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस यदि पहल करे, जैसे आपने भी कहा कि राजस्थान में करिए, आप छत्तीसगढ़ में कम कर दीजिए, आप कहिए वहाँ से पहल कीजिए कि इसको जीएसटी के दायरे में ले चलो। जिस तरह से जीएसटी के दायरे में आने की बात होती है तो विरोध करते हैं राज्य। तो आप यदि केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं तो केंद्र में जो उनके जहाँ राज्य हैं जिनमें उनकी सरकार है, वहाँ से एक एक लेटर चला जाए सभी केंद्र सरकार को कि हम जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार हैं, तेल को भी जीएसटी के दायरे में ले आओ, तो तमाम तरह की जो महंगाई है अपने आप कम हो जाएगी। भाजपा शासित राज्यों पर प्रेशर बढ़ जाएगा, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये तब भेजेंगे तो एक मुद्दा बनेगा। लेकिन क्या है कि जनता नाराज है या जनता दुखी है ये चेक करने के लिए वो सड़क पर उतर आए एक साल बाद, अब नब्ज देख रहे हैं। इसके बाद हो सकता है इसको मुद्दा बनाने की बात करें, लेकिन मुद्दा तो है मनोज जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कांग्रेस उसको बना नहीं पा रही है। देखिए, इसमें एक चीज और भी है कि पेट्रोल और डीजल की उपयोगिता बढ़ाने के मामले में कभी भी कोई भी सरकार जो है वो सहमत नहीं होती है। बिल्कुल, कई सारे उसके कारण होते हैं कि आप बहुत सस्ता कर दोगे तो पेट्रोल डीजल की खपत बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि 80% हम आयात पर निर्भर हैं, आयात पर निर्भर है। इसलिए कभी भी सरकार जो है इस पक्ष में नहीं रहती कि उसका जो है उपयोग ज़्यादा बढ़े, तो इसलिए वो उसको कभी इतना सस्ता तो कभी होने नहीं देगी। हम शुरू से देख रहे हैं, जब 8 रुपये भी था तब भी वो महंगा ही था, बिल्कुल, जब 12 रुपये हुआ तब भी महंगा था, जब 40 रुपये हुआ तब भी महंगा था, और आज 104 रुपये तब भी महंगा है। लेकिन अब उसी अनुपात में हर चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ का वो होता जा रहा है। और आप ये देखेंगे कि ये जो इसका जो सर्वाधिक उपयोग हो रहा है वो या तो मिडिल क्लास कर रहा है या हाई क्लास कर रहा है या फिर परिवहन के अंदर होता है। बिल्कुल, तो परिवहन वाला जो सेक्टर है उसमें डीजल के दाम जरूर निश्चित तौर पे काबू में होना चाहिए, क्योंकि वो परिवहन का एक बहुत बड़ा माध्यम है, उससे ही महंगाई और उससे महंगाई खेती के अंदर डीजल का उपयोग है, माल ट्रांसपोर्टेशन के अंदर डीजल का उपयोग है। पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा, लेकिन डीजल के दाम तो वाकई में कई सारे लोगों के साथ अन्याय होगा। एक और चीज़ आपने कही थी कि लीडरशिप की जो बात है भरोसे की, हम देख रहे हैं जो अभी दिग्विजय सिंह ने भी कहा था कि 2,70,000 रुपये की उन्होंने राजस्व वसूली करी है, 2,70,000 करोड़ की, और अपना महल बना रहे हैं, यही एक परसेप्शन उन्होंने सेंट्रल विस्टा को लेके, शायद उनका ये वो सेंट्रल विस्टा को लेके ही बोल रहे हैं महल बना रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि इतने में इतने ऑक्सीजन सिलेंडर आ जाते, इतने अस्पताल बन जाते, वैक्सीन खरीद लेते, तो ऐसा तो पता नहीं हिंदुस्तान में क्या क्या हो जाता मनोज, कि कभी उन्होंने कहा नहीं कि हमारे पास वैक्सीन के लिए पैसा नहीं है या उस मत का पैसा उसमें लगा रहे, उसके लिए एक बजट प्रावधान उन्होंने किया है।
और दूसरा वो एक परसेप्शन कि हमारा महल, तो ये कोई स्थायी संपत्ति प्रधानमंत्री की या किसी पार्टी की तो होगी नहीं कि अगर कोई प्रधानमंत्री आता जाता रहेगा। ये तो योजना कांग्रेस सरकार की बनाई हुई है ना, तो वो जो बात है लीडरशिप के भरोसे की, कि जब आप ऐसे बेतुके बचकाना तर्क देंगे फिर आप सोचेंगे कि जनता आप पर भरोसा असल में विपक्ष के तौर पर जनता में आक्रोश पैदा करना है, तो उसके लिए आपको सही गलत जैसे भी तथ्य हैं, आप ये कह रहे हो कि बहुत कोरोना की आपदा है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अगर आप रोक दोगे तो 4,000 करोड़ रुपए बच जाएगा। अब 35,000 करोड़ रुपए तो टीके के लिए जो है सुरक्षित रख रखा है, इसके अलावा अगर आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हो उसके लिए पैसा है, उज्ज्वला योजना के अंदर आप सब्सिडी आपने बंद कर दी, हमें पता भी नहीं चला कि गैस की सब्सिडी बंद हो गई, लेकिन उज्ज्वला योजना के अंदर कई सारी महिलाओं को धुएं से तो मुक्ति मिली है। वो निश्चित तौर पर यदि मोदी सरकार वापस आई है तो उसमें कोई तो कारण ऐसा है जिसमें जनता का विश्वास जगा। आप अगर मकान के ऊपर मकान बनाने के ऊपर सब्सिडी दे रहे हो, आज आप अपना पहला मकान बनाने तो 2.5 लाख रुपए की आपको सब्सिडी सरकार दे रही, सेंट्रल गवर्नमेंट 2022 तक का उनका लक्ष्य था, 2022 तक उसको और बढ़ाया उनने, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो पैसा आ रहा है वो जनता के बीच में ही जा रहा है। या तो फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप देखेंगे कि देश में तेजी से विकास हुआ है, वो मोदी सरकार के कार्यकाल में हुआ, चाहे वो नेशनल हाईवे हो चाहे अदर्स हो। आप ये कोरोना का 2 साल जरूर आप छोड़ दें, लेकिन बाकी यदि आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जो पहले नहीं हुई। बिल्कुल, और वो भी रोजगार के लिए, क्योंकि आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे थे, स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, जो लेबर है उसको रोजगार मिला ही है। अब सेंट्रल विस्टा का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो वहाँ काम हो ही रहा होगा ना, बिल्कुल लोगों को रोजगार दे ही रहा होगा वो निश्चित तौर पर। तो ये तो केवल लोगों में आक्रोश पैदा करना है, लेकिन अब वो भी करने में सफल नहीं हो रहे हैं। अब एक बहुत मतलब मैंने कोई एक जोक सारा का पढ़ा था कि तेल भले ही 150 रुपये हो जाए तो कोई बात नहीं, बिल्कुल वरना इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद लेंगे, लेकिन वोट तो मोदी को ही देंगे। तो अब अगर इस तरह की चीज़ें मार्केट में चल रही है तो आप लोगों का अंदाज लगाएं। और केंद्र सरकार विकल्प के और अभी 5 राज्यों के नतीजे भी कांग्रेस के लिए सबक ये कि पश्चिम बंगाल में आपका खाता नहीं खुल रहा है, लेकिन वो बीजेपी की हार पे खुश हैं। बिल्कुल, अपनी चिंता नहीं है उन्हें। ब्रजेश जी निश्चित एक छोटी सी प्रतिक्रिया कि अब मुद्दे भी हैं कांग्रेस के सामने, मध्य प्रदेश में तो कम से कम आपका मजबूत विपक्ष भी है, तब आप इसको जनाक्रोश में नहीं बदल पा रहे हैं और कोरोना का एक काल ऐसा हमने देख लिया है, तो फिर क्या उम्मीद की जाए कांग्रेस से? और कांग्रेस फिर किस उम्मीद के साथ ये सोच रही है, वो अपनी पंच लाइन लगा रहे हैं कि लौट के आएंगे कमलनाथ, आधार क्या? लौट के आएंगे कमलनाथ तो लौट के भोपाल आएंगे, लेकिन सत्ता में नहीं आएंगे मनोज जी, क्योंकि विश्वास कमलनाथ पे यदि थोड़ा बहुत भी विश्वास आया था कांग्रेस पर तो 15 साल के बाद थोड़ा आया था जो वो सत्ता के करीब पहुंच गए थे, नहीं तो अविश्वास तो पहले ही हो चुका था उनने, गड्ढों में बिजली तमाम तरह की समस्याओं के कारण ही तो 15 साल भाजपा सरकार में रह पाई दिग्विजय सिंह के शासन की। आज भी लोगों को यदि याद आ जाती है, यदि भाजपा बार बार यदि चुनाव आते हैं तो वो ही दिन याद दिलाती है, तो जब वो 15 साल पुराने दिन से डर जाते हैं तो 15 माह में उनने देखा थोड़ा विश्वास जागृत हुआ, लेकिन वो आपने खो दिया, जो वादे किए थे वो निभाए नहीं। अब आप सड़क पर आंदोलन करने की बात करें लेकिन जनता का समर्थन नहीं है आपको, जनता का समर्थन तब हासिल होगा आपको जब विश्वास होगा कि आप जो कहते हैं वो करेंगे। यदि आपने कहा था कि डीजल पे पेट्रोल के दाम हम कम करेंगे तो आपको कर देना चाहिए था, आपने कहा था किसान कर्ज माफी करेंगे तो आपको कर देना चाहिए था 10 दिन में, जो वादे किए थे आपने लोग लो कर देते तो हो सकता है 15 माह के बाद यदि आपकी सरकार किसी कारण से गिर भी जाती तो आपको फिर विश्वास जागृत हो जाता, लेकिन अभी विश्वास करने का कोई ऐसा आपने रास्ता ही नहीं छोड़ा कि आप पे भरोसा किया जाए, तो मुझे लगता है अभी तो दूर की कौड़ी है कमलनाथ जी के लौटने की। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो भरोसे का संकट है ये बड़ा बड़ा संकट है और कांग्रेस को इससे निपटना सबसे बड़ी चुनौती होगी। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर जो कुछ मुद्दे हैं कांग्रेस के सामने उसको उसका नेतृत्व भुना नहीं पा रहा है, या एकजुटता का अभाव है या समझ की कमी है, या कहें कि एक जन आंदोलन खड़ा करने के पीछे जो कुछ मंशा हो सकती थी वो कर नहीं पा रहे हैं। याद कीजिए इसी जून के महीने हमने किसान आंदोलन देखा था मंदसौर में, 2-3 साल पहले गोलीकांड हुआ, 6 किसानों की मौत हुई, राहुल गांधी ने वादा किया सरकार भी बनी लेकिन किसान कर्ज माफ़ी नहीं हुई, पेट्रोल डीजल पे आपने वादा किया था कि कीमतें कम करेंगे आपने बढ़ा दी, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं। और एक ऐसे समय में हमने तब भी देखा है कि जब 40-50 रुपये जब पेट्रोल डीजल के दाम होते थे तो इसी प्रदेश में हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपने बंगले से वल्लभ भवन तक साइकिल से आते देखा है, हमने बैलगाड़ी से अटल जी जैसे बड़े जन नेता को संसद जाते देखा है, हमने खाली सिलेंडरों का प्रदर्शन भी देखा है। तो कांग्रेस को ये सोचना चाहिए और उस पर पूरी जनता उनके साथ खड़ी होती नज़र आती थी, तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि मुद्दे भी हैं, जनता भी है, लीडर भी है,
तो कमी कहाँ रह गई है। तो जिस दिन वो अंतर अपना आत्मचिंतन करेंगे तो उनको लगेगा कि गलती कहाँ है। और लेकिन ये निश्चित तौर से हम भी एक आग्रह करेंगे जरूर केंद्र सरकार से कि इस महंगाई के इस काल में, कोरोना के इस काल में, जब एक आम आदमी की कमर टूटी हुई है कह सकते हैं कोरोना के चक्कर में, किसी के धंधे बंदे, किसी की नौकरी चली गई है, तो इस संकट काल में सरकार को इस मिडिल क्लास को कुछ राहत देने के उपाय करना चाहिए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।